वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के सीरीज़ में हम पढ़ेंगे आज मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है और क्या इसमें क्या किया जाता है। तो मैप प्रोजेक्शन को एक ज्योग्राफर ने, एक इंसान ने बताया कि मैप प्रोजेक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब ऑन द फ्लैट शीट ऑफ पेपर। हम कि जब ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखा को फ्लैट पेपर पर हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। मैप प्रोजेक्शन एक्चुअल में अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही है जो हम फ्लैट पेपर पर बनाते हैं। ये इसका यूज़ इसके इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम किसी भी स्थान का लोकेशन हम दिखा सकें। तो कहने का अर्थ मतलब ये है कि किसी भी गणितीय विधि के द्वारा हम अगर फ्लैट पेपर पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो होता है प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन। मैप बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इसलिए होता है वो मैप प्रोजेक्शन। अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या चीज़ है। लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स लैटिट्यूड ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊँ कि लैटिट्यूड ग्लोब पर, ये एज्यूम्सन होता है, काल्पनिक रेखाएँ होती है और ये ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये ग्लोब है और ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई केंद्र से कोण, एंगुलर डिस्टेंस मतलब सेंटर। हम पृथ्वी को मान लें, एक ग्लोब, एक एप्पल मान लें, तो एप्पल का जहाँ बीज होता है वो अर्थ का सेंटर होता है और अर्थ के सेंटर से अगर हम एक लाइन बना दें जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, और ये जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाएगी, इक्वेटर। ये जो कहलाएगी वो लाइन इक्वेटर कहलाएगी। अब इस इक्वेटर के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, जैसे कि अर्थ का सेंटर क्या होगा, इसके नीचे कोर में होगा, अगर इंटीरियर स्ट्रक्चर पर है तो वो सेंटर एक पॉइंट मिलेगा जो अर्थ का कोर कहलाएगा या सेंटर कहलाएगा। जैसे कि अपन एप्पल जैसे मान ले, अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है वो एप्पल है, तो एप्पल का जहाँ बीज होता है वो उसका सेंटर होगा, तो उस स्थान उस जगह से गणितीय विधियों द्वारा हम एक एंगुलर डिस्टेंस, पृथ्वी का कोई भी भाग एंगुलर डिस्टेंस में, सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस जो भी होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं लैटिट्यूड। और पैरेलल, पैरेलल्स ये जो होती है, ये बिंदु, हर बिंदु, इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लाइंस होती है, उसे कहेंगे हम लैटिट्यूड लाइन या पैरेलल्स, लैटिट्यूड पैरेलल्स। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगा हमको, एक पॉइंट, हर एक सेंटर से, हर एक पृथ्वी का अर्थ सरफेस जो है वो एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट से एक वृत्त तैयार होगा। इस प्रकार से एक वृत्त तैयार हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। ये हो गया अर्थ और ये हो गया लैटिट्यूड। हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक लैटिट्यूड का बनाएगा। तो ये हो गया पृथ्वी का लैटिट्यूड, एक सेंट्रल पॉइंट होता है वहीं से कोणिक दूरी होती है। तो इस प्रकार हो गया लैटिट्यूड का कंस्ट्रक्शन। सेकेंड होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो होता है अर्थ के हर लैटिट्यूड से, ये अर्थ है, हर अर्थ का ये हो गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल का एक जो पॉइंट मिलेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्राइम मेरिडियन लाइन। अब ये हमने लैटिट्यूड बना लिया था,
इस प्रकार से लैटिट्यूड हो गया, और ये हर लैटिट्यूड में, हर लैटिट्यूड के एंगुलर डिस्टेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है नॉर्थ टू साउथ, वो क्या कहलाता है, ये लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस। देखिए यहाँ पर हर लैटिट्यूड पर क्या होगा, एक एंगल डिस्टेंस मिलेगा, और ये एंगुलर डिस्टेंस को मिलाते हुए, हर एंगुलर डिस्टेंस को मिलाते हुए एक लाइन हाफ सर्कल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू। अब देखते हैं कि ये है लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है, लैटिट्यूड की नंबर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, और 0 से नॉर्थ की ओर वो नॉर्थ लैटिट्यूड, और 0 से साउथ की ओर वो साउदर्न लैटिट्यूड कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार से ये 0 डिग्री जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है वो होता है प्राइम मेरिडियन, से ईस्ट की ओर होता है वो ईस्ट पैरेलल्स या फिर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट की ओर वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब एक बार देखते हैं कि जो पैरेलल होता है, अक्षांश होती है, लैटिट्यूड होता है, उसकी जो संख्या है वो 90 है। कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 है, और साउथ हेमिस्फीयर में भी 90 है। जीरो को अपन छोड़ देते हैं तो टोटल होता है 181 लॉन्गिट्यूड अर्थ पे होता है। उसी प्रकार से हम देखें कि लॉन्गिट्यूड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो लॉन्गिट्यूड की जो संख्या होती है वो होती है 360 डिग्री, मतलब 360 लाइन्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। वो किस प्रकार से 360, अब आप सोचेंगे कि ये 360 क्यों, 361 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से 1, 2, 3 ऐसा पूरा 180 तक जाता है, और 180 पर जाने पर ये जो लाइन 0 डिग्री का होता है वो वही लाइन क्या हो जाता है, उसी आगे बढ़ के वो 180 हो जाता है। वो 360 आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, और वन मेन तो माना जाता है 181 लैटिट्यूड हमारा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं, ये तो कंस्ट्रक्ट हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ग्लोब में ये एज्यूम मतलब काल्पनिक रेखा होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अगर किसी जगह पे, जैसे कि विश्व को, संपूर्ण विश्व को हमको देखना है तो हम ग्लोब पर तो देख सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोब के किसी छोटे से छोटे पार्ट को हमको देखना है, सपोज़ यहाँ इंडिया को देखना है, यहाँ पर की कोई स्थिति को देखना है, तो ग्लोब में हर एक सूक्ष्म में इसका मतलब मिनी छोटा से छोटा हम इसके यहाँ पे के स्पेस को हम नहीं देख सकते, मतलब एक जो अध्ययन हम यहाँ पे डिटेल स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम डिटेल स्टडी कब पढ़ पाएंगे, जब हम फ्लैट स्क्रीन पर या फिर बड़ा बड़ा साइज पे ग्लोब बनाएं, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने बड़े साइज का ग्लोब बना लें कि छोटे से छोटे जगह को हम बड़े रूप में देख सकें। तो एक साथ ना देख के हम छोटे छोटे स्पेस को शॉर्ट में देखें, तो छोटे इस जगह का हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंस्ट्रक्ट कर लें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, और इस जगह का ही मैप, इस जगह का हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि मैप प्रोजेक्शन बना लें, और प्रोजेक्शन बनाने के बाद इस जगह के एरिया के मैप को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज़ को हम दर्शा सकते हैं, इसको बड़े पेपर पर भी दिखा सकते हैं, छोटे से छोटे को आप बड़े पेपर पर दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी आप इसका कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत बड़ा ग्लोब बना सकें, और उसे उतना बड़ा बना भी लें तो उसको कहीं पर भी ले जाना भी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फ्लैट सर्फ, और फिर ग्लोब में ये भी एक समस्या है कि ग्लोब के सभी भागों को एक साथ हम नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमको कोरिलेट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसको हमको पीछे घुमाना पड़ता है, एक बार में केवल एक ही साइड को हम देख सकते हैं, इसलिए ये इसको फ्लैट पेपर पर बनाना ज़रूरी पड़ गया। फ्लैट पेपर पर हम अब बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई मैप बनाते हैं, तो वो फिर उसकी रियल लोकेशन को फिर
नहीं देख पाएंगे कि कहाँ पर वो जो मैप है वो अर्थ में कहाँ पर है, किसको सिचुएशन कैसी है, कितना स्पेस घेरा है, ये हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इस प्रकार की सिचुएशन को भी और हम उसका डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमें ये मैप प्रोजेक्शन के की रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको डिटेल से अध्ययन कर पाएँ। आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन की कौन कौन से मैप प्रोजेक्शन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो ये यूज़ ऑफ अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ लाइट के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन और नॉन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन को संदर्श प्रक्षेप भी बोलते हैं और असंदर्श प्रक्षेप। अब इसमें हम देखते हैं कि संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप क्या होता है। संदर्भ प्रक्षेप में अपन एक एज्यूम किया जाता है, जैसा यह है ग्लोब। ग्लोब में है अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची गई है, अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची गई है और इन अक्षांश देशांतर रेखाओं को इन अक्षांश देशांतर ग्लोब में लाइट डाल दिया जाता है। लाइट डालने के बाद इसे पेपर से कवर कर दिया जाता है। पेपर से कवर करने के बाद अक्षांश और देशांतर रेखा को ट्रेस कर लिया जाता है और ट्रेस करने के बाद उसे पेपर को फिर से ओपन कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो बने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं उसे मैप तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन बनाया जाता है उसे प्रोस्पेक्टिव या संदर्श प्रक्षेप या ज्यामिति प्रक्षेप भी कहा जाता है। और दूसरा होता है कि इसमें लाइट का यूज़ नहीं किया जाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इसे प्रक्षेप को बनाया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है और उसके आधार पर ये प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन बनाया जाता है, उसे नॉन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैथड मीन्स बनाने के आधार पे मतलब कहाँ पर कौन सी स्थिति को हम ग्लोब को कौन सी स्थिति को दिखाना है तो उस हिसाब से मैप को बनाया जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर एक ग्लोब है, ग्लोब को कॉनिकल प्रोजेक्शन, ग्लोब के इस भाग को इस प्रकार से भाग को एक पेपर के एक कोण बना दिया जाता है, पेपर का कोण और पेपर के कोण से ये इस प्रकार से ग्लोब के किसी भाग को टच करता है। तो ग्लोब पेपर का जो कोण है कोई किसी एक अक्षांश को ये टच करता है और पेपर का जो सेंटर होता है वो सीधा जो पॉइंट होता है हमारा नॉर्थ का उसी के ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रकार से फिर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ट्रेस कर लिया जाता है। इस प्रकार से ट्रेस करके फिर ये लैटिट्यूड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा एज्यूम किया जाता है कि ये जो है वो नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इस प्रकार का जब कंस्ट्रक्शन होता है कि केवल पोल से हम लेते हैं, पोल को भी दिखाते हैं, पोल से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन कहलाता है। ये इस प्रोजेक्शन का यूज़ है कि किसी एक भाग के, जैसे कि इसमें हम दोनों गोलार्धों को पूरा नहीं दिखा सकते, एक ही गोलार्ध को या एक गोलार्ध से आधे गोले को ही हम दिखा सकते हैं। इसमें एक ये ज़ूम किया जाता है कि कोई एक जो लाइन होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है जो ग्लोब के लाइन को टच करती है। तो इस प्रकार से है कॉनिकल प्रोजेक्शन। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में देखते हैं कि पेपर को ये कोण बना के नहीं दिखाया जाता, ये ग्लोब है, ग्लोब को पेपर से कवर कर लिया जाता है, सिलेंडर ऐसा पूरा पेपर को ये ग्लोब को कवर कर लिया जाता है और कवर करने के बाद लाइट की सहायता से इसमें ये जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है उसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया जाता है। ट्रेस करने के बाद ये पेपर को ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है और इस प्रकार से जो लाइन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन हमें मिलेगी इस पे जो वर्ल्ड का मैप जो है वो बना लिया जाता है। इस प्रकार जो पेपर फ्लैट पेपर पर पूरे अर्थ को हम एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक लाइन के माध्यम से, सिंपल लाइन के माध्यम से हम दिखाते हैं तो ये होता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। उसके बाद है जेनिथल प्रोजेक्शन। क्या होता है जेनिथल प्रोजेक्शन? वो होता है जिसमें अर्थ को, ये अर्थ है, अर्थ को ये अर्थ है, अर्थ के किसी ऊपरी इसके ना पूरे अर्थ को नहीं दिखाया जाता, ये पोलर रीजन को दिखाने के लिए, मतलब ये क्षेत्र पेपर को
सिंपल सा ऐसा रखते हैं और रख के ये एक पॉइंट जो है वो नॉर्थन पोल को टच करता है और उसके बाद से लाइट जाइट की सहायता से इस प्रकार से ये रचना करते हैं। तो ये केवल ऊपर का ये एक सर्कल और ये नॉर्थन पोल और इस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दिखाते हैं। ये केवल पोलर का ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, ये है पोलर का सेंटर पॉइंट और ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार से हम ऊपर का ग्लोब के ऊपर का ही भाग को हम दिखाना चाहते हैं तो हमें जनस्थल या खमध्य प्रक्षेप की रचना करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूढ़ प्रक्षेप जिसको बोलते हैं। ये पेपर या लाइट की सहायता से नहीं बल्कि ये केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसे बनाया जाता है। इसमें सारे प्रक्षेप आते हैं, ये कोनिकल, ये सारे प्रक्षेप को भी कोनिकल, सिलेंड्रिकल, ये सभी और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये सारे प्रोजेक्शन को कैलकुलेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। जिस प्रकार कैलकुलेशन करके बनाते हैं तो वो होता है कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। थर्ड होता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, गुण के आधार पर भी प्रोजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है ट्रू शेप प्रोजेक्शन। ट्रू शेप प्रोजेक्शन पे हम वो इसमें किसी चीज़ को ध्यान नहीं, उसके केवल शेप को ही ध्यान दिया जाता है। ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें हम केवल सही शेप बना सकें किसी भी एरिया का लोकेशन, क्योंकि फ्लैट पेपर पर बनाना है तो किसी भी एरिया का सही शेप दिखाने के लिए जब इस प्रोजेक्शन को तैयार किया जाता है। इसमें ना दिशा शुद्ध रहती है, डायरेक्शन ट्रू नहीं रहता, शुद्ध नहीं रहती, ना इसमें स्केल सही रहता, बस ये इसमें केवल शेप बिल्कुल सही बनाया जाता है। क्षेत्रफल ये पूरा सही इसका शेप सही होता है। दूसरा होता है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पे केवल एरिया को, क्षेत्रफल को ध्यान में रखा जाता है। इसमें अगर शेप थोड़ा इधर का उधर होता तो छोटा बड़ा करके इसका एरिया को बराबर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये इसमें बनाया जाता है कि इसमें एरिया बिल्कुल सही रहेगा मैप के अनुसार, लेकिन शेप का कोई सही रहना संभव नहीं है। थर्ड होता है डायरेक्शन, क्योंकि ये फ्लैट पेपर पर बन रहा है, ग्लोब पृथ्वी की वह मॉडल होता है, ग्लोब पर बिल्कुल सही बनता है, लेकिन यहाँ पर जब फ्लैट पेपर बनाए तो कुछ ना कुछ त्रुटि या गलती हो सकती है। तो इसमें जब थर्ड जो होता है वो इसमें डायरेक्शन को सही रख के बाकी चीज़ें को ध्यान में ना रख के केवल डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो वो ट्रू डायरेक्शन प्रोजेक्शन कहलाता है। ट्रू स्केल प्रोजेक्शन, तो इसमें स्केल बिल्कुल सही रहता है, स्केल के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार प्रोजेक्शन का हमने क्लासिफिकेशन किया। अब ये आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्केल मैप प्रोजेक्शन किसी स्केल पर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं।